महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर कस्बे की राजतिलक स्थली पर हुए विभिन्न आयोजन। जिला कलेक्टर ने कहा कि आने वाले वर्षों में राजतिलक को पर्यटक केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर कस्बे के राजतिलक स्थली पर विभिन्न आयोजन हुए, जिसमें महाराणा प्रताप राजतिलक सेवा समिति गोगुंदा की ओर से आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार चौधरी, आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल ने आयोजन को संबोधित किया। कलेक्टर ने कहा कि आने वाले वर्षों में राजतिलक को पर्यटक केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे। वहीं कार्यक्रम के दौरान राजस्थान विद्यापीठ सांचलर सारंगदेवत देहात, जिला कांग्रेस अध्यक्ष लाल सिंह झाला, पूर्व मंत्री डॉक्टर मांगीलाल गरासिया, जिला परिषद सदस्य कामिनी गुजर ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं गोगुंदा में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता की विजेता व उपविजेता को पारितोषित वितरित किया गया। पदाधिकारी और भाइयों और बहनों, ये बहुत ही गर्व की बात है कि अभिमन्यु भाई अभिमन्यु झाला जी ने बहुत कम उम्र, छोटी सी उम्र के अंदर है ना, एक महाराणा प्रताप के गौरव और स्वाभिमान को और उनके कार्यों को आप सबके बीच में लाने का काम शुरू किया है। तो ये एक प्रेरणा है हमारे सबके लिए कि एक छोटा लड़का ये काम कर सकता है, जबकि बड़े बड़े लोग महाराणा प्रताप के गौरव को और उसको बदनाम करने के और उनकी छवि को धूमिल करने के काम कर रहे हैं। हमने देखा है कि भाजपा के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो कई महाराणा प्रताप के लिए ऐसे शब्द और ऐसी भाषा का उपयोग भी उन लोगों ने किया है। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हमारे प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जो हमारे गौरव है, हमारे मेवाड़ महाराणा प्रताप के नाम से पूरे देश और विश्व में जाना जाता है, उन्होंने उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया है। पूर्व में भिंडर में भी ऐसा प्रोग्राम आयोजित हुआ जहां पर उन्होंने महाराणा प्रताप की छवि सभी अतिथियों को भेंट की थी, तो अतिथियों के चरणों के अंदर वो छवियां मिली थी जो काफी आप सबको पता है। इस तरह के कृत्य इन लोगों ने किया और आज वापस वही सतीश पुनिया जी गोगुंदा साहेब पधार रहे हैं महाराणा प्रताप की जन्म उत्सव मनाने के लिए। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हम पहले कृत्य क्या करते बाद में और क्या कहते हैं, इनकी कथनी और करनी में दोनों में फर्क है। हमें हम सबको महाराणा प्रताप का गौरव और इतिहास बताने के लिए भाई अभिमन्यु झाला जी ने इस तरह का प्रोग्राम आप सबके बीच में हमेशा आयोजित करने का काम किया। यहाँ पर बड़े बड़े नेता और मंत्री भी आए, कई घोषणाएं हुई और इस क्षेत्र का विकास भी, और यहाँ महाराणा तिलक स्थली का भी इनकी वजह से आज इतना विकास हो पाया है कि इस तरीके के प्रोग्रामों का आयोजन किया है। कई मंत्री यहाँ पर घोषणाएं करी है, आज कलेक्टर साहब भी और यहाँ पर घोषणा करके गए, तो अच्छा है कि हमारे गोगुंदा का विकास हो रहा है और इस सोच के साथ वो काम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ का क्षेत्र हम क्षेत्र का विकास हो। अब हम लोगों को सोचना है कि हम कैसे लोगों को चाहते हैं, ऐसे झूठे और कथनी और करनी में फर्क लोगों को चाहते हैं जो सच्चे मन से आपकी सबकी सेवा करना चाहते हैं उन लोगों को चाहे। भाई अभिमन्यु झाला जी ने शुरू से सामाजिक कार्यों में अपने पापा और दादा को भी देखा है, तो उनके अंदर सामाजिक सरोकार पूरा फुट फुट कर भरा हुआ है, वो आप सबकी सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। तो इस तरीके का आयोजन करना कोई छोटी बात नहीं है, उनकी छोटी उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी सोच आप सबको बता रहे हैं कि हम सब उनके कार्यों को देखे और इन बड़े नेताओं के कार्यों को भी हम लोगों को देख के प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमको किस लोगों के साथ रहना चाहिए और कैसे हमको आने वाले टाइम में सही लोगों को चुनना चाहिए। जो ऐसे झूठे और बेईमान लोग चुन के आते हैं, जो जिनको जनता से कोई सरोकार होता नहीं है, जनता की सेवा से उनको कोई लेना देना होता नहीं है, जनता ने उनको चुना है 5 साल सेवा करने के लिए और वो गलत कामों के अंदर लगे हुए रहते हैं, फिर हम उनके गलत कामों में लीन होने के बाद हम उन महिलाओं की किसी की मदद करते हैं तो महिलाओं के द्वारा वो हम केस लगाते हैं, जबकि महाराणा प्रताप की ऐसी सोच है 36 कम उनके साथ काम करती थी, उनके साथ मीणा भी रहते थे, गमेती भी थे, मुस्लिम धर्म के लोग भी थे, राजपूत भी थे, सारे लोग महाराणा प्रताप की सेना में शामिल थे और उन सबको साथ लेकर चलते थे। और ये लोग जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं जो सरासर गलत है। मैं उसकी आज के दिन महाराणा प्रताप जन्म उत्सव के दिन कड़ी निंदा